का विषय है रिंकू शर्मा एंड सेक्युलरिज्म। ये किस्सा काफी बड़ा है, काफी महत्वपूर्ण है। मुझे आज के किस्से से याद आ जाता है, बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई थी कई साल पहले। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक बैरन होते थे श्री गुलशन कुमार। इसी तरह से 7-8 इस्लामी लोगों ने उनका बड़े बड़े बेदर्दी से उनका मर्डर किया था। दुख उनकी मृत्यु से भी हुआ था, और सबसे बड़ा दुख था कि किसी ने आवाज नहीं उठाई। ना तो ये बड़े सेक्युलरिज्म के जो गाने गाते रहते हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, और सबसे दुख की बात है कि ना ही किसी हिंदू ने भी आवाज उठाई। लेकिन वो समय अलग था, आज का समय अलग है। आज आप लोगों को सपोर्ट है, आज इस वर्क को, आज किनके आवाज को उठाने की पॉसिबिलिटी है, और उनको सपोर्ट भी है। तो बड़ा अद्भुत यो हुआ कि आज का भी जो किस्सा मैं देख रहा हूं कि एक बर्बरता से एक यंग लड़के का, जिसको जाना जाता है कि वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, उसकी माँ के आगे, उसकी माँ के आगे उसको मर्डर कर दिया जाता है। तो इस विषय पर ये सेक्युलरिज्म का जो मुखौटा पहन के लोग घूमते हैं, उस मुखौटे को हटाना बहुत जरूरी है, और इंसाफ दिलाना बहुत जरूरी है इस दुखी परिवार के लिए। इससे पहले कि हम लोग सूद साहब के पास चलें, एक पाकिस्तान के आरिफ जकारिया हैं, और उनका बड़े अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं जो बड़े सेक्युलर और बड़े न्यूट्रल होते हैं। मैं चाहूँगा कि हम लोग वो पहले एक वीडियो देख लें, और उसके बाद हमारे नरेश सूद जी के साथ अपना वार्तालाप शुरू करें। अजीत जी, ये वीडियो दिखाइए। मतलब बहुत ही गुस्सा आता है। ऐसी बात बताता हूं कि ये इंग्लैंड में सेंसस हो रहे हैं 1 मार्च से, और सेंसस में हर आदमी को अपनी डिटेल भी बतानी है कि आपकी एथनिसिटी क्या है और आपका रिलीजन क्या है। तो जिस तरह अभी बाइडेन के इलेक्शन में अमेरिका के हिंदुओं ने अपने नेशनल भारत के इंटरेस्ट से हट के फैसले किए थे, आज इंग्लैंड में क्या हो रहा है पता है आपको? कई ऐसे हिंदू ग्रुप्स को कन्विंस किया जा रहा है कि आप सेक्युलर हो, इसलिए आप उसमें अपने आप को सेक्युलर लिखना, हिंदू ना लिखना। आप उसमें आपको अपना यूनिवर्सल सिटीजन लिखो, हिंदू ना लिखो। अरे बदबख्तों, साजिश को नहीं समझते? किसी एक इंग्लैंड के मुसलमान को यह कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि तुम अपना मजहब इस्लाम ना लिखो या लिखो। उसको कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है, वो लिखेगा उधर इस्लाम। एक लम्हा नहीं सोचेगा कि मैं सेक्युलर लिखूं या फलान लिखूं या ढुमकान लिखूं। इवन जावेद अख्तर जैसे सो कॉल्ड एथेइस्ट भी जो यहां रह रहे हैं, वो भी लिखेंगे इस्लाम। आपको किसी सिख को यह कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सेक्युलर लिखो, वो सिखिज्म अपना धर्म लिखेगा। आपको साउथ एशिया के किसी क्रिश्चियन को यह बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम सेक्युलर लिखो या क्रिश्चियन लिखो, वो क्रिश्चियनिटी ही लिखेगा। एक बदबख्त ये हिंदू है जो सेक्युलरिज्म को खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए वो अक्सर एक मूवमेंट चली हुई है इधर। और मैं हाथ जोड़ के हिंदू ऑफ इंग्लैंड से रिक्वेस्ट करता हूं कि साजिश को समझें।
कि जो स्टेट की रिलीजियस अफेयर्स के फंड एलोकेशन होती है ना, वो आपकी रिलीजियस पॉपुलेशन के हिसाब से होती है कि किस मंदिर को कितना पैसा है या किस इलाके में कितने मंदिर, ये सब चीजें उन चीजों पे उस पर डिपेंड करता है कि आपके उस रिलीजन के लोगों की पॉपुलेशन कितनी है। लेकिन आप लिखोगे सेक्युलर तो हिंदू की तादाद कम होती जाएगी। इस्लाम यहां का सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन बना हुआ है। अगर हर हिंदू हिंदू बन जाए ना, खाली सेक्युलर रहो भाई, वो जो बाइडेन की तरह सेक्युलर रहो। लेकिन जहां बात आती है धर्म की, तो अपने धर्म पे शर्मिंदा ना हो। आरिफ भाई का बहुत अच्छा ये कमेंट था, और इससे पहले कि मैं नरेश जी को इनवाइट करूं, मैं खाली यही कहना चाहूंगा कि आज हमारा देश यकीनन बटा हुआ है बिटवीन अ बिग मेजॉरिटी जिसके लिए नेशन फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वर्ग कंफ्यूज्ड वर्ग जिसके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, उनके लिए उनको रिलीजन फर्स्ट है। तो इस विषय पर आज की चर्चा शुरू की जाए। मैं निमंत्रण देना चाहूंगा नरेश सूद जी को। सूद जी आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपने सुना उदय शंकर जी को, इनके बड़े अच्छे व्यूज हैं इस टॉपिक के ऊपर, और मुझे लगता है कि आप लोगों भी अपने व्यूज दीजिए कि ये क्या चीज है सेक्युलरिज्म। एक सेक्युलरिज्म के नाम पे हम लोगों को यहाँ पे बेवकूफ बनाया जाता है, हमको मिसलीड किया। यहाँ पे अरिफ जकारिया साहब ने जो चीज कही, पाकिस्तानी है मुस्लिम है, लेकिन ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक हिंदुस्तान जो है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बने, और जो भी एक देशभक्त है या जो भी उनके, क्योंकि उनका जो ओरिजिन है वो भी हिंदुस्तान से है, आप मुसलमान है कोई इशू नहीं, आप क्रिश्चियन है कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप हमको टारगेट करती हैं ये इशू है। और उससे बुरी बड़ी बुरी बात क्या है या खराब बात क्या है कि हम टारगेट होते हैं। मुझे किसने कहा कि आप सेकुलर हो, मैंने कहा नहीं मैं सेकुलर नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। कहने नहीं आप सेकुलर, मैं कहना मैं इंडियन हूं। और सिंपल सी बात यह है, यहां पे इस कंट्री के अंदर लोग कहते हैं कि जितने भी कोई मुसलमान है उससे कोई नहीं पूछता कि आप सेकुलर है, सेकुलर कितने क्रिश्चियन है उससे कोई नहीं पूछेगा आप सेकुलर हो, लेकिन किससे पूछेंगे सेकुलर है, जो यहाँ पे हिंदू है उससे पूछेंगे आप सेकुलर हो। अगर हम सेकुलरिज्म के भड़कावे में आते हैं, अब एक बताओ महाराणा प्रताप वॉज नॉट सेकुलर, उसको लोग गालियां देते हैं, कुछ दूसरी कम्युनिटी के लोग क्यों सेकुलर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ आवाज उठाई, उनके साथ लड़े। शिवाजी महाराज वो भी सेकुलर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के साथ पूरी लड़ाई की और हिंदुइज्म के लिए या हिंदुस्तान के लोगों के लिए या इंडिया के लिए लड़े। फिर आपके महाराणा रणजीत सिंह, वो भी सेकुलर नहीं। सेकुलर कौन है? सेकुलर वो है जो इस देश के गद्दार है, और जो लोग इन गद्दारों के साथ मिलकर के सेकुलरिज्म का नारा लगाते हैं वो भी गद्दार हैं, और वो भी देश के देशद्रोही। मैं सिंपल सी बात ये कहूँ, अगर हम जब तक अपनी आइडेंटिटी, पता नहीं कि उस लोगों को शर्म आती है कहते हुए कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं सेकुलर हूँ, आप सेकुलर अगर कहेंगे तो आप देश का नुकसान करेंगे। तो मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, पहले मैं सेकुलरिज्म पर बात करूंगा। फिर आपने देखा है दिल्ली के अंदर एक मर्डर, एक बड़ा प्री प्लांड मर्डर, उस पे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं बोले। अगर कोई मुसलमान मर जाता है तो केजरीवाल जाके पैसे बांट के आता, कभी 1 करोड़ कभी 50। एक ये हिंदू लड़का मरा, उस पे किसी ने कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। और ये लोग कहते हैं कि ये दिल्ली के अंदर एक बर्बरता फैलाने वाला काम चल रहा है यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। इससे पहले 2018 में एक डॉक्टर को मार दिया गया था विकासपुरी के अंदर। इसी तरीके से कुछ मुस्लिम्स आए थे साथ की झुग्गी झोंपड़ी से, और जो फ्लैट में अच्छे घर में एक डॉक्टर रह रहा था उसका मर्डर कर दिया, लाठी चक्कू वगैरह मारकर छोटे से इशू के ऊपर। तो ये लोग ऐसी जो चीजें करते हैं उसके ऊपर केजरीवाल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, केजरीवाल ने उनको प्रोटेक्शन दी, उसने उनके लिए वकील खड़े। अभी आप देखते हैं कि दिशा का केस हुआ दिल्ली के अंदर, उसको अरेस्ट किया गया, जो एंटी नेशनल काम में थे, यहाँ पे दंगे भड़काने का काम किया, उसने एंटी नेशनल काम किया। केजरीवाल की स्टेटमेंट आ गई कि इसके साथ गलत हो, उसके साथ स्टेटमेंट आ गई राहुल गांधी की, और दूसरी मजे की बात है उसके ऊपर स्टेटमेंट आ गई इमरान खान की, भाई तूने क्या कर रहा है, तुम्हारी कंट्री सेकुलर है क्या, तुम क्या कैसे हो। ये बेसिकली आप पाकिस्तान टीवी देखिए, वहां बहस होती है, नहीं नहीं फ्रांस ने ऐसा ऐसा किया, फ्रांस इज नॉट ए सेकुलर। अरे तुम साले जो बैठे हो यहाँ पे कर रहे हो, तुम्हारी कंट्री में क्या हो रहा है, तुम्हारी कंट्री में कोई अगर इस्लाम के बारे में कुछ कह दे उसके ऊपर फांसी की सजा हो जाती है, और जिस आदमी ने उसका मर्डर किया उसको बरी हो जाता है, वहां से लड़की उठा के ले जाते हैं,
कन्वर्ट कर देते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ना उनका हाई कोर्ट बोलता है, किसी की बीवी उठा के ले जाते हैं तब कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन हाँ वो लड़की जो हो वो हिंदू हो, और सीवन इवन ये अपने जो वहां पे रूलिंग गवर्नमेंट है उनकी या रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ कोई भी हो उसके साथ कुछ भी करते हैं। आप देखते हैं कुछ पाकिस्तानी, कुछ सिंधी हैं, कुछ बलूची हैं, वो भी इनसे परेशान होकर के भुगत रहे हैं, लड़ रहे हैं, और लेकिन उनकी आवाज में सुनने वाला वर्ल्ड में कोई नहीं। हिंदुस्तान में छोटी छोटी बात होती है उसके ऊपर इंटरनेशनल इशू बन जाता है, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बोलने लग जाता है, वहां पे जो ब्रिटेन के लोग बोलने लग जाते हैं, वहां पे कुछ और लोग बोलने लग जाते हैं, और हमारी कंट्री के अंदर कुछ भी काम हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे दिशा सिद्यार एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, किसी हमारे पॉलिटिशियन ने जब हमारे 26 जनवरी को लाल किले पे झंडा फहराया या हमारे हमारे देश की इज्जत लूटी या हमारे देश को बेइज्जत किया, कोई भी पॉलिटिशियन किसी पार्टी का बीच में किसी ने उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन जब दिशा को उठा के ले गए तो उस पर केजरीवाल भी बोला, और ये बेसिकली एक हमारे देश को बांटने में लगे हैं, बर्बाद करने में लगे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं फिर बात कहूंगा कि केजरीवाल को दिल्ली में बिठाने में कुछ हिंदुओं का हाथ है, जो फ्री वाले छोड़िए, कुछ मैं सोचता हूँ कि बीजेपी के एक मिनिस्टर का भी हाथ रहा है इसमें, या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है मैं स्पेशली RSS का, जो इसको पावर में लाने में सक्सेसफुल हुए और गवर्नमेंट को और कंट्री को कमजोर